स्मिता जयकर, वो हंसता मुस्कुराता चेहरा, अपने उम्दा अभिनय और गंभीर संवाद से सभी का दिल जीतने वाली अदाकारा हैं स्मिता जयकर। टीवी और फिल्मों की जानी मानी अदाकारा जिन्होंने अनेक फिल्मों और धारावाहिकों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। स्मिता जयकर मुंबई में पली बड़ी मुंबईकर हैं। दक्षिण मुंबई के रहने वाली और ठाकुर द्वार में जन्मी स्मिता एक महाराष्ट्रीयन परिवार से संबद्ध हैं। उनके पति मोहन जयकर एक जाने माने वकील हैं। अभिनय के क्षेत्र में उनके करियर का सफर दूरदर्शन में एक लीगल प्रोग्राम कंपेयर के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों, टीवी सीरियल्स और थिएटर आदि में काम किया है और कई सशक्त किरदारों के द्वारा जन जन पर अपने अभिनय और व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी है। आपकी पहली फिल्म थी 1995 में रिलीज दिल का डॉक्टर, 00 आह्वान, यहां मैं घर घर खेली स्मिता अभिनीत सीरियल हैं। स्मिता ने कई हिट फिल्में की हैं जिनमें सरफरोश, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, अजब प्रेम की गजब कहानी इत्यादि हैं। इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानने वाली स्मिता का झुकाव आध्यात्म की ओर होता चला गया। एक्टिंग के अलावा वे आध्यात्म में व्यस्त रहती हैं और अपनी निजी जिंदगी में वे कई किरदार निभा रही हैं। इनमें सबसे अहम है उनका आध्यात्मिक रूप, जिसे वे अपने जीवन की सफलता और आत्मिक शांति का श्रेय देती हैं। स्मिता की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत लगभग 30 वर्ष पहले हुई, जब उनके पति ने उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु प्रभुजी दादाशी से मिलवाया। यहां से शुरू हुआ वह दौर जहां स्मिता ने दूसरों की सहायता करने को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। सन 1995 में स्मिता ने आध्यात्मिकता की दीक्षा ली और आज वे अपने इस अनुभव को अन्य लोगों से साझा करके उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती हैं और उनके मन के भटकते भावों को सही दिशा दिलवाती है। स्मिता जी 20 वर्ष से एकता विश्वविद्यालय चेन्नई के साथ जुड़ी हुई हैं। स्वयं स्मिता ने पूरे भारत और विदेश में 700 एकता कार्यशालाओं का आयोजन किया एवं SR, टाइम्स ऑफ इंडिया और गोदरेज आदि जैसे संगठनों के लिए आध्यात्मिक कार्यशालाएं की। स्मिता ने मेडिटेशन प्रक्रिया को 7 चक्रों में विभाजित किया है। ये सभी चक्र हमारी विभिन्न समस्याओं को दर्शाते और सुलझाते हैं, चाहे वो समस्या शारीरिक हो या फिर मानसिक। इसके लिए इन चक्रों को सही तरीके से क्रियान्वित करना आवश्यक है। स्मिता के अनुसार दर्द और पीड़ा दोनों अलग अलग भाव हैं। दर्द शारीरिक होता है और पीड़ा मानसिक, इसलिए आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और इसे मेडिटेशन चक्र के द्वारा सही किया जाता है। स्मिता का सर्व प्रशंसित वीडियो है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की सामाजिक नहीं आंतरिक स्वतंत्रता की जरूरत है, इसके लिए महिलाओं का आध्यात्मिक शक्तिकरण होना आवश्यक है। महिलाओं को अपनी शक्ति का स्वयं एहसास होना चाहिए। आध्यात्मिकता के बारे में अभिनेत्री स्मिता जयकर की किताब बिफोर टुमारो अपनी आत्मा से जुड़ने में आपकी सहायता करती हैं। जयकर ने दुनिया के लिए अपने आध्यात्मिक आत्मा को उजागर किया है। स्मिता शिरडी के साईं बाबा की परम भक्त है। वे मानती है कि आपके कर्मों को शुद्ध करने के लिए एक जीवंत गुरु होना जरूरी है। स्मिता के द्वारा स्थापित न्यू लिफ्ट ट्रस्ट एक चैरिटेबल संस्था है जो बच्चों की शिक्षा और वृद्धाश्रम स्थापित करने जैसे समाज सेवा के कार्य करती है। मेडिटेशन यानी साधना को स्मिता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा मानती है। अपने अभिनय के द्वारा उन्होंने स्त्री के लावण्य और शक्ति का मिश्रित प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने सदैव एक मजबूत आधार स्तंभ की छवि प्रस्तुत की है। ऐसे प्रभावशाली महान व्यक्तित्व को हमारे बीच पाकर
हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप यूं ही समाज सेवा और अभिनय के शिखर तक पहुंचे, यही अभिलाषा है। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।